हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल पेट्स इन्फोमेनिया। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में, एंड दैट इज़ साइबेरियन हस्की की ऑड आइज क्यों होती हैं, क्या एक आंख से उसको दिखाई नहीं देता, क्या इस डॉग ब्रीड में कोई डिफेक्ट है, क्या अगर हम ऑड आइज का साइबेरियन हस्की लेंगे तो जब हम उसके बेचने जाएंगे तो वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मिसकंसेप्शंस आपको इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा कि साइबेरियन हस्की की ऑड आइज क्यों होती हैं और इनसे इस डॉग ब्रीड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब माय चैनल, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर भी ज़रूर करना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, साइबेरियन हस्की की ऑड आइज के बारे में मैंने गूगल पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की है ये जानने के लिए कि इनकी ऑड आइज क्यों होती हैं। ऑड आइज का मतलब ये होता है कि एक आंख दूसरे कलर की होती है, एक दूसरे कलर की होती है। जैसे आपने अक्सर हस्कीज देखे होंगे जिनकी एक आई ब्लू कलर है, एक आई ब्राउन कलर है, तो ऐसा क्यों होता है। सो गाइस, जो मैंने चीज़ गूगल पे देखी है, गूगल ने और बहुत सारी इधर उधर की रिसर्चेस करके मुझे ये पता चला है कि मेलनिन नाम का एक डार्क पिगमेंट होता है डॉग की बॉडी के अंदर, और ये ना ही डॉग की बॉडी के अंदर होता है बल्कि ह्यूमंस की बॉडी के अंदर भी पाया जाता है। ये पिगमेंट डॉग्स की बॉडी में ज़्यादा काम करता है, इसी वजह से इसके असर डॉग की बॉडीज़ में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कोई हस्की का पपी परचेज करते हैं जो कि 45 डेज से कम का अक्सर हम ले लेते हैं जल्दी जल्दी के अंदर, तो उसमें हम ये देखते हैं जब हम वो पपी परचेज कर रहे होते हैं तो उसकी दोनों आइज़ ब्लू कलर की होती हैं। वेयर एज़ वक्त के साथ साथ विद इन अ पैसेज ऑफ टाइम 3 to 6 वीक्स के बाद हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे पपी की आइज़ जो हैं वो ऑड होना शुरू हो गई हैं। एक आइज़ का कलर दूसरा है, एक का कलर दूसरा है। सो हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती है कि यार ऐसा क्यों है, क्योंकि साइबेरियन हस्की मोस्टली जो पाए जाते हैं दैट इज़ ब्लू आइज़, और ब्लू आइज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं लोगों को। दैट्स अ नेचुरल फैक्ट कि उनको दोनों आँखें ब्लू चाहिए, लेकिन कुछ हस्कीज़ ऐसे भी होते हैं जिनमें ये चीज़ पाई गई है। ऑड आइज़ के हस्कीज़ आपको मार्केट में भी मिलेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि इससे डॉग की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डॉग की आँखों की विजन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डॉग क्लियरली देख सकता है, और उसमें कोई भी इसकी ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी इसका इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है, फजूल पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ एक मेलनिन नाम का जो मैंने आपको बताया है डार्क पिगमेंट होता है डॉग की बॉडी में, जब इसकी क्वांटिटी डॉग के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो इसका असर कहीं ना कहीं नज़र आता है, और साइबेरियन हस्कीज़ में मोस्टली उनकी आँखों में ये चीज़ पाई गई है। सो गाइज, आपने ज़्यादा सोचना नहीं है, अगर आपका पपी ऐसा निकल आया है सो प्लीज़ दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट लव योर डॉग्स, अगर आप उसको बचपन से लेके आए हो तो उसके साथ आपका अच्छा बॉन्ड हो गया होगा अब तक, तो प्लीज़ इन चीज़ों को मत देखा करें। अगर आप हस्की लेके आए हो, इट्स अ हस्की, तो प्लीज़ उसको दिल से प्यार करो। मोस्टली जो डॉग के डीलर्स होते हैं वो इस चीज़ को एक पॉइंट बना लेते हैं कि यार इसकी आइज़ जो हैं वो ऑड हैं, इसलिए इसकी वैल्यू कम है। सो उनकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, जो प्योर डॉग लवर्स हैं उनको पता है कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती, क्योंकि ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिससे डॉग को कोई हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। सो इस वजह से मैं ये कहता हूँ कि ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास ऑड आइज़ का हस्की आ गया है तो आप दिल खोल के उसकी ब्रीडिंग भी करवा सकते हो। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी ऑड आइज़ हैं तो उसके बच्चों की भी ऑड आइज़ ही होंगी। सो गाइस, अक्सर ऐसा होता है कि मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस की है कि मेल और फीमेल दोनों की ब्लू आइज़ होती हैं, लेकिन बच्चे अक्सर एक दो ऐसा होता है जो ऑड आइज़ के निकल आते हैं। सो अगर आपके पास ऑड आइज़ हैं तो आप उसकी ब्रीडिंग करवा के देख लो। 110% ऐसा भी हो सकता है कि उसके सारे पपीज़ जो हैं वो ब्लू आइज़ के हों, किसी की भी ऑड आइज़ ना हो। सो गाइज, ये भी पॉसिबल है, तो आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। ऑड आइज़ की कोई भी जो है वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसको दिल पे या दिमाग में आपने बिल्कुल भी नहीं लेना। इसका रीज़न सिर्फ सिंपल है, जब मेलनिन नाम के डार्क पिगमेंट की क्वांटिटी डॉग के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो उसका असर कहीं ना कहीं नज़र आता है। सो गाइज, यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इफ देयर इज़ एनीथिंग मिसिंग। लव यू ऑल।